कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जो हमेशा अपनी यादों में ताज़े रहते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे ही एक नई जर्नी पे लेके जाने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना। आज हम यात्रा करने वाले हैं कालका से लेकर शिमला तक एक बहुत ही फेमस टॉय ट्रेन जिसका नाम है शिवालिक डीलक्स एक्सप्रेस। उसमें आपको ऑन बोर्ड कैटरिंग की सर्विसेज मिलने वाली है, तो मैं आपको इस वीडियो में वो सब चीज़ें दिखाने ही वाला हूँ। साथ ही साथ जो मेरा एक्सपीरियंस होता है कालका से लेकर शिमला तक बेहद ही खूबसूरत नज़ारों के साथ, वो आपको मैं डिटेल में इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहना, सब डिटेल्स ना मैं आपको विस्तार से इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कालका शिमला रेलवे जिसकी शुरुआत की गई थी बाय हेरबर्ट हैलिंगटन बाय 20 अप्रैल 1855 मतलब 20 अप्रैल 1855 से कालका शिमला रेलवे की शुरुआत की गई थी। ये एक 96 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच है कालका से लेकर शिमला तक। तो आज हमारी यात्रा होने वाली है 5245 कालका शिमला शिवालिक डीलक्स एक्सप्रेस में। अपनी शिवालिक डीलक्स एक्सप्रेस ऐसी ट्रेन है ना, ये बहुत ही नेम ट्रेन है कालका और शिमला रूट के बीच में, क्योंकि ये एकमेव ऐसी ट्रेन है ना जिसमें आपको ऑनबोर्ड कैटरिंग की सुविधा मिलती है। तो इसलिए मैंने इस ट्रेन को चुना। अभी मैं रात को आया था नेताजी एक्सप्रेस से और नेताजी एक्सप्रेस लेट थी और अपना डिपार्चर यहाँ से 6:45 होने वाला है और 5 घंटा 5 मिनट की जर्नी कंप्लीट करने के बाद हम पहुँचेंगे शिमला 10:50 पर। विंटर की स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में ना एक अलग ही मज़ा है। तो मैंने सोचा आपको विंटर की स्टार्टिंग में दिखा दूँ कि स्नो है भी या नहीं है। इस वीडियो में बने रहना, आपको सब चीज़ें डिटेल में मैं दिखाने वाला हूँ। कालका रेलवे स्टेशन पर ना आपको ये ऐसे स्टॉल्स मिल जाएंगे, यहाँ पर ना चाय कॉफ़ी बहुत अच्छी मिलती है। चाय तो ये प्रॉपरली दूध की बना के देते हैं, बाकी आपको अगर कुछ स्नैक्स वगैरह चाहिए हो ना तो आप यहाँ से ले सकते हो। ये सब चीज़ आपको मिल गई, चिप्स वगैरह ये सब चीज़ें लेंगे हम भी, क्योंकि पता नहीं ट्रेन में कुछ मिलेगा नहीं, ब्रेकफास्ट तो मिलने ही वाला है, उससे पेट भरेगा भी या नहीं आई एम नॉट श्योर। सो ये अपनी खड़ी यहाँ पे शिवालिक डीलक्स एक्सप्रेस टॉय ट्रेन के कोचेस में। अब ना कर्टन्स लगाए गए, लास्ट टाइम मैं आया था तो कर्टन्स नहीं थे इसमें, और अंदर चलते हैं। अंदर चल के ना आपको इंटीरियर्स दिखाता हूँ, और अपना कोच है FC1 और यहीं से अंदर चलेंगे जल्दी से, आगे कोच है अपना बहुत। सो अभी ना खुल चुकी गाड़ी, अब इंटीरियर्स आपको दिखाता हूँ अपने शिवालिक के। सो ये इंटीरियर्स है अपने कालका शिमला शिवालिक डीलक्स एक्सप्रेस के, और मेरी सीट नंबर है 16 और देखते हैं 16 नंबर कहाँ है, पहले ये देखना पड़ेगा। FC3 कोच नंबर है। और आपको एक बताओ ना, अगर प्रॉपर स्नोफॉल में अगर आप आओ ना तो आपको ये सब नज़ारे देखने को मिल जाते हैं। लास्ट ईयर में आया था फेब में आया था, तब तो ऐसी पूरी चीज़ें देखने को मिली थी, आप वो व्लॉग देख सकते हो। और ये ना रेल मोटर है, अभी इधर आएगी आपको दिखाऊंगा रेल मोटर कैसी होती है, सबसे फास्टेस्ट ट्रेन कह सकते हो आप। और 13, 14, 15 सो ये 16 नंबर अपना है ये वाला सीट। और एक चीज़ बताओ ना, सीट्स के बारे में ना, आप जस्ट ऐसे करोगे ना तो आप आराम से इस साइड पे बैठ के विंडो का मज़ा ले सकते हो। यहाँ से विंडो खोलो और आराम से यहाँ से मज़े ले सकते हो। सो अभी इस बैगेज को रखते हैं, क्योंकि बैगेज मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप बड़ी बैग लाते हो ना तो बैग रखने के लिए दिक्कत आ सकती है आपको। सो आप में से ना बहुत सारे लोग मेरे को कहोगे कि भाई अभी तो विंटर में स्नोफॉल भी नहीं हुई, आप क्यों जा रहे हो शिमला। तो मैं उसका रीज़न ये देना चाहता हूँ कि आप सब लोगों को ना मैं एक रिव्यू देना चाहता हूँ इस शिवालिक डीलक्स एक्सप्रेस का। मतलब अगर आप है ना जब पीक आवर रहता है, जब पीक आवर रहता है ना कालका शिमला के बीच में, तो तब अगर आप इसमें ट्रैवल करते हो ना तो आपको क्या क्या सुख सुविधा मिलने वाली है, उस चीज़ों का मैं डिटेल में रिव्यू देना चाहता था। इसलिए मैं थोड़ा विंटर के स्टार्टिंग में आया, अभी तो विंटर स्टार्ट हुआ, अभी महीना है नवंबर का, नवंबर फर्स्ट वीक चल रहा है अभी, आज डेट है कुछ 4 या 5 नवंबर, और नवंबर एंड नहीं बोल सकता दिसंबर स्टार्टिंग तक ना शिमला में बर्फ़ पड़ जाएगी। तो आप उस हिसाब से अपना प्लानिंग कर लेना, दिसंबर जैन फेब मार्च तक बर्फ़ रहती है पूरी शिमला में। सो ये अपनी सीट है ना, एक बार देख के ना आपको रिव्यू बताता हूँ कि एग्जैक्ट कैसी कंफर्टेबिलिटी के बारे में। सो बैठ चुका हूँ मेरा अभी सीट पे, और सीट बहुत ही कंफर्टेबल है, क्योंकि हमने ना आपने मेरा हिमालयन क्वीन एक्सप्रेस का व्लॉग देखा होगा लास्ट टाइम जब मैं गया था, तो उससे कंपेयर करोगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है मेरे को। और कोच कंपोजिशन के बारे में बात करें ना, जिसमें 7 फर्स्ट क्लास के कोचेस लगते हैं, इसके अलावा कोई भी और कोचेस नहीं लगता। पहला इंजन होता है, उसके बाद पूरे 7 फर्स्ट क्लास चेयर कार के कोचेस रहते हैं। और इसमें एक अच्छी बात ऐसी लगी मेरे को ना, ट्रे टेबल दिया गया है, क्योंकि जर्नी के दौरान हमें ब्रेकफास्ट सर्व किया जाएगा IRCTC के द्वारा। और यहाँ पे देखो आप आराम से खिड़की खोल के ना ऐसे यहाँ से नज़ारों को एंजॉय कर सकते हो। सो ये ट्रेन का अपना ना पहला वाला हिस्सा है, और यहाँ पे साइड में ना सब कोचेस आपको देखने को मिल जाएंगे अलग अलग ट्रेन्स के, हिमालयन क्वीन के वो वहाँ पे रहेगा, हिमालयन क्वीन एक्सप्रेस का वहाँ पे, उसका आपको ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा चैनल पे। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये टोटली गुड्स वाले आप बोल सकते हो, यहाँ से सामान वामान जो शिमला कभी कभी नहीं ले जाते हैं ना वो होता है। और सामने देखो ये सब इधर अंदर जा नहीं सकते एक्चुअली। और ना सेमाफोर सिग्नलिंग सिस्टम है इसमें, जो पुराने रेलवेज में जो सेमाफोर सिग्नल था ना वो वाला सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा। और अपना लोकोमोटिव ना डीजल होने वाला है,
पहले इसमें स्टीम चलते थे बट अभी नहीं चलते, अभी तो डीजल चलेंगे। और देखो पूरे रेक्स, और ये प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6। सो अभी ना एक चिप्स का पैकेट और 2 पानी बोतल ले ली है, क्योंकि सफ़र में पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। और चलते कोच में और डिपार्सल के लिए तैयार हैं अभी हम। सो ना आज हमें ये लोकोमोटिव हॉल करने वाला है शिमला तक, और KSR यानी कि कालका शिमला रेलवे के अंडर आता है ये, और दिखा रहा हूँ आगे से। सो दोस्तों आज है ना KSR यानी कालका शिमला रेलवे का ZDM 3 लोकोमोटिव हमें हॉल करने वाला है टिल शिमला, और डीजल लोकोमोटिव है। पहले ना इस रूट पे ना स्टीम वगैरह वाले लोकोमोटिव हॉल करते थे, बट अभी नहीं करते, अभी सिर्फ ये डीजल लोकोमोटिव का राज्य है। और क्या आपको पता है इन लोकोस की मेंटेनेंस है ना अपने मुंबई में होती है, ये एक स्ट्रेंज फैक्ट आपको बता दूँ। और सामने ना सेमाफोर सिग्नल है बस अगले, और ये जो ट्रेन है नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन है, तो इसमें आप अनरिजर्व टिकट निकाल के जा सकते हैं साइड वाली, और अपने में नहीं जा सकते। निर्धारित समय से 3 से 4 मिनट की देरी के साथ निकल चुके बिल्कुल निर्धारित समय से। विस्टर्ड होम वाले कोचेस से सामने जो देख रहे हो ना व्हाइट कलर के ये वाले, और ये लोकोमोटिव है उसका, और लेफ्ट साइड में इसका लोको शेड देखने को मिल जाएगा। तो सो ये देखो ये सब कालका शिमला रेलवे का ना डीजल लोको शेड है, यहाँ पे आपको अलग अलग लोकोमोटिव देखने को मिल जाएंगे। और ये जो आप देख रहे हो ना ये वाला, ये पहले इस रूट में चला करते थे नैरो गेज के ये सब, और ये प्रिजर्व कर रखा है ZDM 3। तो जैसे आपको मैंने बताया था ना इस शिवालिक डिलक्स एक्सप्रेस में ना खाने पीने की चीज़ें इंक्लूडेड है, उस टिकट कॉस्ट में ना खाने पीने की चीज़ें इंक्लूडेड होती है। तो इसमें ना मैंने एक बार जर्नी की थी शिवालिक में, बट लास्ट टाइम व्लॉग नहीं बना पाया, तो मैं शिमला से कालका आ रहा था तब हमें डिनर दिया गया था, बट आज मैं ना कालका से शिमला जा रहा था तो हमें ब्रेकफास्ट सर्व किया गया है, मतलब चढ़ने के बाद ना सुबह की चाय और ब्रेकफास्ट सर्व किया गया। तो देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या आइटम्स दिए हैं, और पानी की ब्रेकफास्ट सर्व किया है तो एक बार देखते हैं टेस्ट कैसी होती है। सो ये ब्रेकफास्ट है हमारा, इसमें मैंगो ड्रिंक दिया गया है, मारी बिस्किट है, केचप है, कॉफ़ी है, कॉफ़ी लिए मैंने, ब्राउन ब्रेड दिया गया है, बटर दिया है, और अभी वो गर्म पानी ला के देंगे। सो इसमें ना पहली बात एक वेज कटलेट दिया गया है, मतलब ऐसे तो पूरे ठंडे हो चुके हैं बट कोई दिक्कत नहीं यार, क्योंकि ठंड का माहौल है तो कोई हम कुछ बोल नहीं सकते। देखो 2 वेज कटलेट है, साथ में एक कॉफ़ी बनाई है मैंने, ये ब्राउन ब्रेड है, मैंगो बेनिया, केचप है, और वर्का है, जैम दिया नहीं, पता नहीं क्यों दिया नहीं उन लोगों ने। और अभी कटलेट को ना टेस्ट करके आपको रिव्यू देता हूँ कि कटलेट कैसा है। टेस्ट सही है कॉफ़ी का, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, और क्रीमर एक्स्ट्रा मांगना भूल गया इस टाइम, एक्स्ट्रा क्रीमर लाते हो ना तो और अच्छी टेस्ट आती है। तो ऐसे स्टफिंग है इसकी, अच्छा अगर एक कटलेट गर्म होता ना और अच्छी टेस्ट आती है, बाकी तो सही कटलेट है, इतनी कुछ दिक्कत ही नहीं है। बाकी तो और का टेस्ट करना है, ब्राउन ब्रेड दिया है और मैंगो का मिनी है, ब्रेकफास्ट को खाता हूँ, बाकी आपको बाहर के नज़ारे दिखाता हूँ।
अभी हमने धर्मपुर हिमाचल स्टेशन को स्किप कर रहे हैं, और आपने मेरे ना लास्ट हिमालयन क्वीन एक्सप्रेस के ब्लॉग में देखा होगा कि स्टेशन पे अपना हॉल्ट था और उस टाइम बर्फ़ थी पूरी, तो इस टाइम बर्फ़ कुछ नहीं है। ये जो टनल चल रहा है ना, इस रूट का सबसे लॉन्गेस्ट टनल है वाला, और इस टनल को बनाने के पीछे भी बहुत ही बड़ी हिस्ट्री थी। तो यार ट्रेन के पहले हॉल्ट यानी कि बरोग में पहुंच चुके हैं, और बरोग है ना बहुत ही हिस्टोरिकल रेलवे स्टेशन आप कह सकते हो, पूरे भारतीय रेलवे और कालका शिमला रेलवे के अंदर बहुत ही मतलब तो यहाँ पे ना अगर आप स्नोफॉल में आओगे ना तो एकदम प्रॉपर पीक विंटर्स में तो यहाँ पे आपको पूरी तरफ बर्फ़ मिलेगी। आऊँगा यार वो भी दिखाऊँगा ज़रूर यार, परेशान मत होना, आप लोग कमेंट करोगे कि भाई आप बर्फ़ नहीं दिखा रहे, बर्फ़ भी दिखाएंगे, हर चीज़ें दिखाएंगे आपको। बरोग से निकलने का संकेत हो चुका है फाइनली, और बरोग के बाद ना सीधा शिमला अपना हॉल्ट होने वाला है। सो ये हिमाचली देख रहा है कैसे अभी निकल चुके हैं, और बरोग से निकल चुके हैं फाइनली। सो बरोग स्टेशन से मैंने ना वेज कटलेट लिए थे और गरम गरम मैगी ली थी, एक बार कैसी है गरम गरम है, मेन बात दोनों चीज़ें ना एकदम क्रिस्पी और गरम लग रही है। तो ना पहले कटलेट देखते हैं। कटलेट में स्वाद है, मैगी देखते हैं मैगी। मैगी भी गरम है और स्वादिष्ट है, बहुत ही बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है मैगी का, और नज़ारे तो चल रहे यार। और बरोग जैसे क्रॉस किया ना, जैसे ही बरोग के आगे चले गए ठंड का लेवल ना बहुत बढ़ने लगा है अभी। सो अभी सोलन जा चुका है, अभी हम ना समर हिल पार कर रहे हैं, और अगर आप ना प्रॉपर विंटर्स में आते हो ना मतलब दिसंबर के अराउंड, तो यहाँ पे पूरी स्नो मिलती है, आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा होगा। और इस साइड इसी साइड अपनी लास्ट टाइम हिमालयन क्वीन रुकी थी, और यहाँ पे ना उतर के हम स्नो खेल रहे थे, अभी स्नो नहीं है। बस अगले 5 से 10 मिनट में हम अपने गंतव्य यानी कि शिमला पहुँचने वाले हैं, और बिल्कुल निर्धारित समय पर पहुँचने वाले, आउटर में खड़े अभी। सो अभी हम शिमला यानी कि अपने गंतव्य पहुँच गए। कालका शिमला स्पेशल, और तो सो फाइनली अपनी 52451 कालका शिमला शिवालिक डीलक्स एक्सप्रेस आ चुकी है अपने गंतव्य शिमला। हमें भाई मिलने आए अथर्व भाई, आपने इनको ना विस्टाडोम वाले व्लॉग में देखा होगा, कैसा लगा यार आपको वीडियो जरूर बताना कमेंट में। मैं आपको एक ऐसे ही नए सिर्फ शानदार व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय दोस्तों। सो यार ये ना मेस्मराइजिंग व्यू है ना आपको शिमला में ही मिलेगा, और जब आप बर्फ़ के टाइम आते हो ना तो पूरा बर्फ़ से ढका हुआ होता है, और बंदर से थोड़ा सा सावधान, क्योंकि बंदर ना बहुत ही चालाक होते हैं यहाँ के। और सोलर पैनल से ऊपर देख सकते हो आप,